रहे हैं तुमको। पीलीभीत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अलग अलग कारनामों के लिए जाने जाते हैं। छोटे मोटे घोटाले तो यहाँ आम बात है। वहीं इस बीच मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सीएमओ एक फार्मासिस्ट को अपशब्द बोल रहे हैं। वीडियो में सीएमओ एक फार्मासिस्ट को यह कहते नजर आ रही हैं कि जूता निकाल कर यही मारूंगा, जिसके बाद फार्मासिस्ट बेहोश हो जाता है और सदमे में चला गया। फार्मासिस्ट का कहना है कि अब मैं आत्महत्या करूंगा। वहीं इससे आक्रोशित फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल पूरा मामला यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमुनिया पर सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार रविवार को निरीक्षण करने के लिए गए थे। इस दौरान उन्हें ड्यूटी पर हाल ही में तबादला होकर आए फार्मासिस्ट अमरीश बाजपेयी मिले, जहां उन्होंने पहले पीएससी का निरीक्षण किया, जिसमें कुछ खामियां मिलने पर सीएमओ ने फार्मासिस्ट की फटकार लगानी शुरू कर दी। जब उसने हाल ही में आने की बात कही तो सीएमओ और भड़क गए, जिसके बाद फार्मासिस्ट से अभद्रता करने लगे। फार्मासिस्ट का आरोप है कि सीएमओ ने उन्हें पैर से जूता निकालकर मारने की धमकी दी। वहीं सीएमओ के जाने के बाद सार्वजनिक रूप से बेइज्जती होने से वह बेसुध होकर गिर पड़े। इस पर आनन फानन में डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। इस मामले की जानकारी मिलते ही फार्मासिस्टों में रोष फैल गया, जिसके बाद फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने अपना रोष जाहिर करते हुए सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं पीड़ित फार्मासिस्ट अब आत्महत्या करने की बात कर रहा है। आज तक नहीं भैया, उस दिन बस सीमो साहब आए थे आरोग्य मेले वाले में, तो उस दिन आकर के बस यहाँ पे आए, सब देखने लगे, तो वही साफ सफाई को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। और वो वार्ड में जाकर के उन्होंने एक बेड पे कंबल रखा हुआ था, तो वही पूछते हैं कंबल क्यों रखा हुआ है यहाँ पे। मैंने कहा सर यहाँ पे कोई स्वीपर वार्ड वगैरह तो है नहीं सर, और इधर मुझे पूरा प्रॉपरली भी चार्ज भी नहीं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सर नहीं, अभी हटा के रख देंगे उसको। इस बात को लेकर और हमारी तीन दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत गड़बड़ चल रही थी, दूध मौसम भी हो रहे थे, मेरे सर में वो दर्द हो रही थी, चक्कर भी आ रहे थे, तो पहले हमको इतना तो चिल्ला चुके थे, तो उसके बाद मेरे एकदम से आंसू निकला, साइड मतलब आँख से आंसू निकलने लगे, तो उसी को देख के एकदम से वो भड़क गए और हमको वही जूते मारने के लिए मुर्गे उसको साले भी मुर्गा बना के उसको साले जूतों से मारूंगा उसको साले भी, और एकदम से वो बहुत चिल्लाने लगे, मैं एकदम से चक्कर सा आ गया, मैं वहाँ पर गिर बड़ा बहुत। आप जो गिरे हैं वो चक्कर आया था आपको? जी बहुत ही चक्कर आया, फिर उसके बाद क्या हुआ हम नहीं कह सकते। किस दिन की बात है ये? आरोग्य मेले वाले दिन। कितने लोगों का है यहाँ पे? स्टाफ में हम तीन लोग हैं जी। यहाँ हम लोग आए हुए थे और क्या कहते हैं अपना कमरे में बैठ के काम कर रहे थे, तब तक थोड़ी देर बाद कमरे से बड़ी जोर जोर से आवाज़ आई, तो हमने सोचा क्या हो गया करके, हम तब देखने बाहर आए तो यहाँ फिर ऐसे ही हो रहा था। डॉक्टर साहब बेहोश से पड़े थे और उनको फिर एक दो लोगों ने उनको उठाया और बेंच वहाँ लिटाला चारपाई में, और अब हम इस मेले में आइंदा से नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे आप लोग जी? क्या पता हमारे साथ भी किसी समय कोई बात ऐसी हुई तो हम लोगों पर भी यही बात आएगी, तो हम किसके क्या मुंह लेके रह जाएंगे। सर हम धरने पे नहीं बैठे हैं सर, हमें बुलाएगा क्योंकि हम उस दिन यहाँ जब बातचीत हुई थी तो हम लोग आरोग्य मेले में आए थे, और तब जहाँ पे बातचीत हुई तो सर ने बुलाया कि क्या हुआ क्या नहीं, तो बताया कि ऐसे ऐसे हुआ भाई। क्या हुआ था? क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग तो अपना काम कर रहे थे, यहाँ तो कमरा बंद था, सर बात कर रहे थे, अब इस बारे में नहीं मालूम क्या बात कर रहे थे क्योंकि हम लोग अपना काम कर रहे थे। जब आवाज़ आई तो हम लोग उठ के आए तो देखे तो सर नीचे पड़े हुए थे। आरोग्य मेले में आपको दवा वितरण किया आपने? नहीं दवा ववा कुछ नहीं, मरीज भी आते चले जाते हैं। मरीजों को नहीं देखा गया? नहीं देखा गया जी। उस दिन जब हम आरोग्य मेला में आए थे तो हम लोग तो ये कवच चला रहे थे, अपना काम कर रहे थे, तो सीमा साहब आए हुए थे तो उन्होंने हमसे कहा आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने जी हम अपना ये कवच चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। बोले ठीक है आप अपना काम कर लीजिए, जब तक ये अंदर घुस के जहाँ पे दवाई ववाई वितरण की जाती वहीं पे ये लोग बैठे, तो इन लोगों की बातचीत हो रही थी, किवाड़ें भिड़ी हुई थी। ठीक है सर, इनकी खूब जोर जोर से बातचीत हो रही थी, तो हम लोग आए यहाँ पे तो जो सीमो साहब के जो थे ड्राइवर थे उन्होंने कहा आप अपना काम कीजिए, आपको इससे क्या है, आप यहाँ से हट जाइए सर। फिर हम लोग हट गए,
तब जब बाद में देखा कि ये बिंच के नीचे पड़े हुए थे, जो फार्मासिस्ट थे वो बिंच के नीचे पड़े हुए थे। जब हम लोगों ने देखा तो हम लोग जब इतनी घुस गए तो हमने उन्हें पानी नहीं पिलाया, उठा के हमने लटलवा दिया सर। और फिर बाद में इनके अंदर क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई, अब फार्मासिस्ट जी रो भी रहे थे काफी। ये बातचीत के अंदर मारपीट की बाहर आवाज आ रही थी या नहीं? जी नहीं, मारपीट की तो कोई मारपीट की तो कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ बातचीत इनकी हो रही थी जी सर, तेज तेज की आवाजें हो रही थी। जूता चलाने वाली बात सुनी थी जी? जूता चलाने वाली, जब फार्मासिस्ट बाहर निकले तो इनके बटन वटन खुले हुए थे, शर्ट निकली हुई थी, जैसे निकाल दिया उन्होंने तो ये कह रहे थे कि आप हमें जूता, क्या आप मुझे जूता मारेंगे, क्या आप हमें जूता मारेंगे, ये बात हमने सुनी थी सर जी। अब ऐसा इस तरीका से अगर फर्जीता होगा सर तो हम कैसे आ पाएंगे? हमारे घर वाले वो भी हमें डांटते हैं कि आप वहाँ जाती हो, और इस तरीका से अगर होगा तो बताओ सर हम कैसे आएंगे यहाँ पे हैं। और आज उनके साथ हुआ, कल हम लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हादसा हुआ तो हमारे तो घर वाले हमें घर में नहीं घुसने देंगे।